हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम चार स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे और जानेंगे उन चार स्टॉक से रिलेटेड आपने थंबनेल में देख भी लिया क्या नाम है क्योंकि तो काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं क्या बेच के निकल जाए क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर जो आपका खुद का चैनल है सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ एज वेल एज यहाँ पर तीन वीडियो आज के डेट में आ चुकी है लॉरिस्प AMC और लक्स में तो बेहतरीन है पर पर मुझे चार्ट, पैटर्न और एस वेल एस, इसके लग रहे हैं पे 3500, 3600 पे चल रहा है। यह पर जाएगा थोड़े में देख लीजिएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्सिटी और एक एक करके उन स्टॉक्सिटी हम बातें करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जो कि हमें बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है ओके कि ये शेयर भाग क्यों नहीं रहा है इसका नाम है कार्ट्रेड। ये शेयर जब से आया है केवल और केवल यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है ओके okay, लोग कह रहे हैं क्या बेच के निकल जाए क्या लॉस बुक कर ले या क्या करे या क्या ना करे लगभग बीस परसेंट बीस परसेंट ये शेयर यहाँ पर क्रैक यहाँ पर अगर बात करे गिर चुका है अच्छा खासा और अगर मैं आपको बताऊ मेरे uh, मेरे व्यू से तो ये स्टॉक्स अब एक ऐसी स्टेज पे आ गया जहाँ पर आपको तो बाइंग करनी चाहिए ना कि यहाँ पर सेल करना चाहिए ओके जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना यहाँ पर ऑपरेटर नाम की एक चीज होती है और जब ऑपरेटर नाम की चीज होती है ना वो अच्छे स्टॉक्स को पहले गिराते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को डराते हैं और जब रिटेल इन्वेस्टर डर के स्टॉक्स बेच देते हैं अपने हिस्से के ओके क्योंकि लोगों ने यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आईपीओ में अप्लाई किया होगा अच्छा खासा यहाँ पर जो गेन मिला है गेन मिला है उसके बाद यहाँ पर जो गिर रहा है उसके बाद यहाँ पर लॉस हो रहा होगा वो बेच के निकल जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत लॉस उन्हें गवारा नहीं होता क्योंकि देखिए मार्केट में आए हो तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर लॉस भी आपको देखना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है मैंने भी ये स्टॉक्स अगर मैं अब आपको बताऊँ यहाँ पर आपको बताया था उसके बाद शेयर भागा भी था उसके बाद गिरावट फिर भागा था और यहाँ पर अगर मैं बात बात करूं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है अब ये क्या बना रहा है अब से पहले हम यहाँ पर को फंडामेंटल दिखाएंगे सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है ओके okay, आज नहीं चलेगा छह महीने नहीं चलेगा एक साल नहीं चलेगा कोई बात नहीं और अगर आप, आप सोच रहे हो कि ये शेयर यहाँ पर से गिर के जीरो हो जाएगा तो जीरो नहीं होने वाला पहली बात क्यों नहीं होने वाला क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स है 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 काफी है, छोटा मोटा शेयर नहीं एज एज वेल जिस बिजनेस में ये काम कर रहा है वो वो सेक्टर भी अभी चलना शुरू नहीं हुआ और धीरे धीरे जब ये वो सेक्टर चलना शुरू होगा ना ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये शेयर अच्छा खासा भागना शुरू हो जाएगा और आज वो सेक्टर चलता हुआ दिखा भी था जिसका नाम है ऑटो सेक्टर यहां पर देखिए

किसी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करना और कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना तो कोई मतलब इशू नहीं है और उसके बाद आपको छह महीने वेट भी करना पड़ता है ना तो छह महीने बाद जब शेयर भागेगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा आपको लॉस नहीं होगा आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना आपको कुछ नहीं करना सिंपली आपका पैसा है आपको वेट किया है तो इसी तरीके से यहाँ पर ये स्मॉल कैप

Así que... काम करते हैं और समझते हैं कि चीजों को कि शेयर बाजार है चीजें गिरेंगी भी और गिरने के बाद भागेंगी भी अब यहाँ पर गिर रही है तो आप निकल जाओगे यहाँ पर ऑपरेटर ने आपको डरा दिया डराने के बाद ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा फिर जब ये भागेगा फिर आप यहाँ पर यहाँ पर जब भागेगा तब आप लोगे नहीं जब यहाँ पर शेयर पहुंच जाएगा यहाँ पर आप दोबारा खरीद लोगे दोबारा खरीदोगे यहाँ पर इस लेवल पर फिर आप कहोगे कि भाई यहाँ पर से फिर दोबारा वो डराएंगे गिराएंगे फिर आप कहोगे ये शेयर ही बेखा रहे शेयर मार्केट जुआ है ये है वो है तो यहाँ पर यही चलता है तो आपको समझने की जरूरत है जिसने यहां पर खरीदा उसने थोड़ा सा क्वांटिटी क्वांटिटी खरीदी खरीदी फिर उसने थोड़ी सी एवरेज किया एवरेज करने के बाद पर सारा पैसा जिसने एक बार ही में लगा दिया होगा वो लॉस में होगा जो बाय ऑन डिप्स कर रहा होगा एवरेज प्राइस निकल के आएगा जिसने यहां पर भी खरीदा है जिसने यहां भी खरीदा है भी खरीदा है तो एवरेज प्राइस यहां का निकल के आएगा यहां पर जब एक एवरेज प्राइस निकल के आएगा तो थोड़ा सा और गिर जाएगा थोड़ा सा और खरीद लेगा जब ये भागेगा तो यहां पर इसका एवरेज पहले बराबर होगा फिर जब यहां भागेगा तो ये प्रॉफिट होता है वो दिखाई देगा यहां से लेके

टर्म मैंने आपको बहुत टाइम पहले इस तरीके का एक शेयर आपको बताया था यहाँ पर क्या बन रहा था यहाँ पर देखिए यहां पर ये शोल्डर बन रहा था शोल्डर बनने के बाद यहाँ पर हमने शेयर पकड़ा था राइट और यहाँ पर जो हमने शेयर पकड़ा था क्या बना रहा था ये हेड बना रहा था ना इसी तरीके से गिरा था हेड बना के यहाँ पर ऊपर गया फिर थोड़ा सा हमने यहाँ बेच दिया फिर हमने यहाँ खरीदा फिर यहाँ पर देखिए एक रैली उसके बाद दोबारा इसी तरीके से तो इसी तरीके से चीजें चलती है थोड़ा सा समझने की जरूरत है जिसे चीजें समझ में आती है जो मेरे चैनल को हमारे चैनल को यहाँ पर फॉलो करता है तो वो चीज समझता है वो वेट करता है वो पेशेंस रखता है वो चीजों को समझता है यहाँ पर चार्ट पैटर्न आपको समझाया गया है दोबारा चार्ट पैटर्न आपको दिखा दिया है शोल्डर हेड फिर शोल्डर बना के ऊपर तो इस चीज को थोड़ा समझिए ये यह शेयर यहाँ पर डबल यहाँ पर तीन हजार रुपए वाला शेयर है जल्दी बाजु में बेच देंगे यहाँ पर बेच देंगे डर के बेच देंगे तो यहाँ पर फिर आपका पैसा नहीं बनेगा आप मार्केट में हमेशा लॉस में रहेंगे याद रखिएगा तो यहाँ पर बायोन डिप्स करके धीरे धीरे खरीदते रहिए यहाँ पर शेयर आपको आज या कल परसों या फिर छह महीने का टाइम कम से कम दीजिए छह महीने ही लगते हैं यहाँ पर छह महीने में शेयर आपको भागता हुआ दिखाई देगा सबसे पहला शेयर ये इसके अलावा हम बात करेंगे एक और पर्टिकुलर शॉक से रिलेटेड ग्लैंड फार्मा ग्लैंड फार्मा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ग्लैंड फार्मा वन ऑफ द गुड फंडामेंटली डेट फ्री नो प्लेजिंग ऐसा शेयर है जिसमें आर ओ सी आर ओ ही ट्वेंटी एट ट्वेंटी परसेंट है जो कि आपके पैसों को मल्टी बैगर सी ए जी आर से बढ़ाती है पी अगेन यहाँ पर महंगा ही मिलेगा ऑब्वियस सी बात है वन का फेस वैल्यू है मार्केट कैपिटल थ्री थाउजेंड करोड़ के लार्ज कैप कंपनी है एपीआई बिजनेस में एज वेल एज काफी बेहतरीन ये शेयर नेगेटिविटी जिस शेयर में रहती है वो शेयर भागते ही आपको पता ही है इससे रिलेटेड भी वीडियो बना है जाके एक बार आई बटन पर लिंक दूंगा आपको देख लीजिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखिए हाईएस्ट अवर रिजल्ट हाईएस्ट अवर प्रॉफिट बट स्टिल बात करें शेयर की तो शेयर यहाँ पर देखिए गिरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर गिर चुका है

चा, इसका टारगेट पैंतालीस तो समझिए यहाँ पर दिसंबर तक आई गई बल्कि और भी ज्यादा मार्केट बोल रही तो पांच भी कम पड़ेगा तो इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए ओके ये दो स्टॉक्स हो गए इसके अलावा हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की जो की मैं आपको काफी टाइम से बताता आ रहा हूं और जब मैं कोई चीज आपको बार बार बता रहा हूं तो इसका मतलब है वो शेयर यहां पर भागता हुआ दिखाई देगा भागता हुआ तो यहां पर यहां पर ओटीटी में कंपनी काम करती हुई नजर आती है मैसेजेस ईमेल वॉइस एसएमएस जो आपके फोन पे आते हुए दिखाई देते हैं ओके वो सारे के सारे कौन करता है मोबाइल के थ्रू आते हुए दिखाई देती है मिड कैप कंपनी पी की बात करें अगेन यहाँ पर महंगाई दिखाई देगा बट आर ओ सी आर ओ ही दिखेंगे तो ये दिखाई देगा कि एक वैसे आपको ये करोड़पति बनाने वाले शेयर है यहाँ पर डेट फ्री की बात करें कंपनी डेट फ्री है कोई प्लेजिंग नहीं है दस का यहाँ पर फेस वैल्यू है शेयर की अगर हम बात करें जब शेयर आया था ओके सेम यहाँ पर घूमता हुआ नजर आया और हमेशा ही फिफ्टी डीएमए के आसपास सपोर्ट

अच्छा खासा डेटा हो रिजर्व की बात करें रिजर्व यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे खासा बढ़ते हुए दिखा रहे हैं डेट फ्री लगभग कंपनी है डेट अपना कम ही किया है बल्कि इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है कैश अच्छा खासा है यहाँ पर रेशो की बात करें यहां पर आर ओसी पर देख सकते हैं अच्छी खासी आरोसी है बढ़ती हुई नजर आ रही है प्रमोटर्स की होल्डिंग है एज इट इज एफ की बात करें एफ की फिफ्टीन के आसपास है DIS की बात करें सिक्स के आसपास है हिस्सेदारी बढ़ाई है पब्लिक की बात करें पब्लिक का की हिस्सेदारी है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं रूट मोबाइल की तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि बार बार अगेन एंड अगेन यहां पर एक सपोर्ट ले रहा है और मेरी जब

35% के रिटर्न मिल जाएंगे और इतने ही रिटर्न आपको चाहिए भी होते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए ये शेयर फिर गोली होता हुआ दिखाई देगा आपको तो हमने तीन स्टॉक से रिलेटेड बात कर ली लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर से रिलेटेड देखिए स्टॉक्स इतने सारे हैं कि मैं अगर आपको बताने लग जाऊं ना मेरे पास डेली इतने स्टॉक्स आते हैं मैं डेली बता नहीं पाता

थोड़ा सा पेशेंस रखिए पेशेंस हमेशा वर्क करता है और जब ये शेयर भागना शुरू करेंगे आ, तो जब आ, तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे और अच्छा खासा पैसा आपके पोर्टफोलियो में बनाता हुआ दिखाई देगा अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है महीने बाद आपको ये शेयर आपको सारे के सारे पॉजिटिव और हाइएस्टल लेवल पर ये चलते हुए दिखाई देंगे तो बाइंग बाइकिंग करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट करना है कोई कोई क्वेरीज और क्वेश्चन पूछिए ओके किसी के बैकअप मत आइए कोई न्यूज चैनल को मत देखिए शेयर को अपने आप एनालाइज करिए अपने आप हकते हुए दिखाई देंगे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस